आज हम एकदम आसान तरीके से हलवाई जैसा घेवर बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आधा कप हमने घी लिया है, 75 ग्राम घी है, ये बाउल में डालेंगे। इसे बलून बीटर की सहायता से बीट कर लेंगे। घी को हमें तब तक फेंटना है, ये एकदम लाइट एंड फ्लफी हो जाए तब तक इसे हम बीट करेंगे। घी को हमने 4 से 5 मिनट तक फेंट लिया है और आप देख सकते हैं एकदम लाइट एंड फ्लफी हो गया है, घी का कलर भी चेंज हो गया है। एक कप मैदा लिया है, ये 150 ग्राम मैदा है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के बीट करेंगे। सारा मैदा हमने डाल दिया है। वार्म वाटर लिया है हमने, गुनगुना पानी है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर बनाएंगे। एक साथ में पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे फेंटना है। पानी हमें ज्यादा गर्म नहीं लेना है, एकदम गुनगुना पानी से ही हमें ये बैटर बनाना है। बैटर एकदम लाइट एंड फ्लफी हो जाए तब तक बैटर को फेंटना है और एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। तेल के अंदर हम आसानी से पोर कर सके, इतना पतला हमें बैटर रखना है। मैंने इसमें 200 ml कप का माप से 1.5 कप पानी डाल के बैटर बनाया है, इस तरह का। कभी कभी मैदा की क्वालिटी के हिसाब से कम या ज्यादा पानी लगता है, तो उस हिसाब से आप पानी डाल के बैटर को इतना पतला बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। घेवर को फ्राई करने के लिए मैंने एक ऊंचा बर्तन लिया है, इस तरह का। अगर ऐसा बर्तन लेंगे तो हमें मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर हम आसानी से घेवर बना सकते हैं। इसमें मैं तेल डाल के गर्म करने के लिए रख दूंगी। बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। दो टेबलस्पून पानी और डाला है हमने। मैं एक धार वाला इस तरह का एक ग्लास ले लूंगी, उस पे बैटर डाल के गरम तेल में डालेंगे। इससे आसानी से हम गरम तेल में बैटर डाल सकते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम बैटर डालेंगे। एकदम ऊपर से बैटर डालना है हमें। फ्लेम हमने लो कर ली है और हम बैटर डाल रहे हैं। हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच जितना बैटर डाला है। तेल गर्म हो जाने के बाद फ्लेम लो करके बैटर अंदर डालना है और फिर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लेना है। घेवर फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे, इसे एक वायर रैक पे निकालेंगे। सावधान इसे निकालना है नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे एक डिश में हम रख लेंगे, इस तरह से। इसी तरह से सभी घेवर को फ्राई कर लेंगे। चाशनी बनाएंगे। आधा कप चीनी ली है, 100 ग्राम चीनी है, इसे एक सॉस पैन में डाल देंगे। 3/4 कप पानी डालेंगे, ये 1/2 कप, और 1/4 कप। गैस ऑन करेंगे।
मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लेंगे। 1/4 टीस्पून केसर डालेंगे। सिरप बॉईल होने लगा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हम बॉईल करेंगे। 6-7 मिनट हमने हाई फ्लेम पे चाशनी को उबाल लिया है और अभी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, देख लेंगे हम। एकदम गरम गरम में हाथ नहीं लगाना है, थोड़ा ठंडा करके ही इसे हाथ से छूना है। आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे, चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चाशनी को घेवर के ऊपर डालेंगे। वायर रैक के ऊपर घेवर को रख देना है, फिर उसके ऊपर चाशनी डालेंगे इस तरह से। बाकी की चाशनी नीचे गिर जाएगी। ऊपर बादाम पिस्ता की स्लाइस रखेंगे। घेवर रेडी है, इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के उसे बाहर ही स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक अच्छा रहेगा।